बॉलीवुड की हर खबर के लिए प्रेस कीजिए बेल आइकन और जुड़े रहिए व्हाट्सएप बॉलीवुड के साथ। हेलो एवरीवन, मैं हूं श्रेया और आप देख रहे हैं व्हाट्सएप बॉलीवुड। बिग बॉस सीजन 14 का लेटेस्ट एपिसोड बेहद ही शॉकिंग था, क्योंकि इस एपिसोड में कंटेस्टेंट्स ने अपनी लाइफ के बारे में ऐसी सीक्रेट्स का खुलासा नेशनल टेलीविजन पर किया जिसके बारे में शायद ही कोई जानता था। किसी ने बताया कि कैसे वो कम उम्र में किडनैप हो गई थी, तो किसी ने बताया कि काम ना मिलने की वजह से और ऑडिशन में रिजेक्ट होने की वजह से उन्होंने अपनी जान लेने का फैसला किया। तो वहीं कुछ ऐसे कंटेस्टेंट्स भी थे जिन्होंने खुलासा किया कि किस तरह बचपन में वो मॉलेस्ट हुए थे। वेल, इससे पहले कि आप ये सोचे कि आखिर ये सब कुछ किसके साथ हुआ है, कौन से कंटेस्टेंट्स के साथ हुआ है, तो बिना देरी किए चलिए शुरू करते हैं ये वीडियो। सबसे पहले बात करते हैं रुबीना की। रुबीना ने बताया था कि अभिनव के साथ इस साल उनका तलाक होने वाला था। अगर वो दोनों आज बिग बॉस के शो में नहीं आते तो शायद रियल लाइफ में एक साथ नहीं रह रहे होते। इसके बाद एजाज खान के सीक्रेट का खुलासा हुआ। एजाज ने कहा कि वो आज अपने लाइफ की एक ऐसी बात बता रहे हैं जिसकी टीस और जख्म उनके दिल में आज भी ताजा है। आज भी वो उसे याद करते सिर उठते हैं। उन्होंने बताया कि राज उनके अब्बा यानी उनके पिता को भी मालूम नहीं है। एजाज ने बताया कि बचपन में उन्हें मॉलेस्ट किया गया था और इसी की वजह से आज भी उन्हें टच से डर लगता है। एजाज ये कहते हुए जोर से रो पड़ते हैं। उन्होंने आगे बताया कि वो इसके लिए शर्मिंदा नहीं है क्योंकि इन सब में उनकी कोई गलती नहीं थी। फिर भी इसके बावजूद वो अपने पिता से माफी मांगते हैं। इसके बाद जैस्मीन भसीन ने भी अपने लाइफ की एक सीक्रेट दुनिया के सामने रखी। जैस्मीन बताती हैं कि करियर के शुरुआती दिनों में लगभग 2 सालों तक उन्हें कई बार ऑडिशंस में रिजेक्शन का सामना करना पड़ा था। वो इतना डर गई थी कि उन्हें लगा कि उन्हें कोई काम नहीं आता और यही वजह थी कि उन्होंने एक बार सुसाइड करने की कोशिश भी की थी। आपको बता दे, अभिनव शुक्ला जो बिग बॉस के घर में नजर आ रहे हैं, उन्होंने अपने बारे में एक ऐसी सीक्रेट बताई जो काफी शॉकिंग थी। अभिनव शुक्ला बताते हैं कि वो मुंबई हीरो बनने आए थे, लेकिन यहाँ आने के बाद उनकी पहली फिल्म ही फ्लॉप हो गई और वो डिप्रेशन में चले गए। लगभग 2 साल तक उन्हें कोई काम नहीं मिला और यही वजह थी कि अभिनव कंगाल हो गए थे। अभिनव ने बताया कि ये सच उनके परिवार के साथ साथ रुबीना को भी नहीं पता है। इन सब के अलावा कंटेस्टेंट निकी तंबोली के साथ रियल लाइफ में जो हुआ वो बेहद ही शॉकिंग है। निकी बताती हैं कि जब वो 19 साल की थी तब उन्हें किडनैप कर लिया गया था। कविता जो कि बिग बॉस सीजन 14 में वाइल्ड कार्ड कंटेस्टेंट के तौर पर नजर आई हैं, उन्होंने भी अपने बचपन की एक ऐसी बात का खुलासा किया जो बेहद हैरान कर देने वाला है। कविता बिग बॉस के कन्फेशन रूम में जाकर अपना राज बताने का फैसला करती हैं। वो कहती हैं कि एक बुजुर्ग ट्यूटर से वो मैथ्स का ट्यूशन लेती थी। उन्होंने उनके साथ अश्लील बातें की और शोषण करने की कोशिश की। इससे पहले कि कुछ गलत होता, कविता ने चीखना चिल्लाना शुरू कर दिया और कहा कि वो ये सब कुछ मम्मी पापा को बता देंगी। बाद में जब उनके पेरेंट्स घर आए तो कविता कौशिक ने उन्हें इसके बारे में बताया। उन्होंने कहा कि उन्होंने पापा को डर की वजह से नहीं बताया, मम्मी ने उनकी बात पर बिलीव नहीं किया। उन्हें लगा कि कविता का मैथ्स पढ़ने का मन नहीं है, इसीलिए वो बहाने बना रही है। कविता ने बताया कि यही वजह थी कि उन्होंने लाइफ में कभी मैथ्स नहीं पढ़ा। साथ ही साथ उन्होंने अपील की कि हर माँ बाप को अपने बच्चे के बदले बिहेवियर को समझने की कोशिश करनी चाहिए। वेल, बिग बॉस के घर वालों ने डिसाइड किया कि एजाज खान का सीक्रेट सबसे ज्यादा शॉकिंग था। वेल, इनमें से आपको किसका सीक्रेट सबसे ज्यादा शॉकिंग लगा है, कमेंट्स के जरिए हमें जरूर बताइए। और ऐसे ही अपडेट्स के लिए देखते रहिए व्हाट्सएप बॉलीवुड।